हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये काफ़ी रिक्वेस्टेड भी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है। इवन के अगर आप सेवन क्लास में हैं, एट क्लास में हैं, नाइन्थ में, टेंथ में, इलेवन ट्वेल्थ में, कहीं के भी बच्चों को, मतलब किसी भी क्लास के, किसी भी ग्रेड के बच्चे हैं, तो उनमें उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न लगता है इसमें बेसिकली एटम के बारे में, कि जो एटम होता है, एटम के बारे में सबको तो पता होता है कि भाई एटम जो होता है उसके थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। वो जो थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो जो एटम के अंदर किस तरीके से अरेंज रहते हैं, कहाँ पे उनकी लोकेशन होती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसे इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर किस मोशन में वो मूव कर रहा है, क्या उसकी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, रेक्टेंगुलर मोशन है, लीनियर मोशन है, या कोई सी भी मोशन है, वो कैसी मोशन है। वो जो शेल्स होती है ना, आपने सुना होगा कि एटम के बाहर उसकी शेल्स होती हैं, उनके अंदर सब शेल्स होती हैं। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कहा जाता है, आप कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग देखें कि जो 1s2 हो गया ना, मान लीजिए हमने 1s2 लिखा, तो 1s2 में ये 1 क्या है, ठीक है, ये S क्या दर्शा रहा है, ये जो सुपर स्क्रिप्ट में जो 2 लिखा हुआ है ये क्या चीज़ है। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो इन सभी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग, ये कोई हमारी पीछे से कहीं से रिलेट नहीं कर रही है, बस ये है कि कुछ कंसेप्ट समझाने थे मुझे, है ना। और मैं काफ़ी दिन से सोच भी रही थी, और बहुत सारे बच्चे भी, उनको समझ में नहीं आता, बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं कि मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, मैम ये क्या है। तो ऐसा होता है कि हम लोग आप लोग अभी सेवन एट क्लास में है, तो आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें ये कन्फ्यूज़न लगती है इसमें, लेकिन जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, तो सारी चीज़ें आपको खुलती चली जाती है ना, खुलती चली जाती है। तो एनीवे, अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और साथ साथ समझ भी सकते हैं। समझ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। एक बार में अगर नहीं बात समझ में आती है, दोबारा वीडियो को रिपीट करिए, दोबारा करिए, तिबारा करिए, जितनी बार भी करनी है आपको करिए, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपके हर डाउट को क्लियर करूँ, और आपके पूरा कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और साथ साथ ये कि आपको कोई, आपका कोई डाउटर है, फिर भी अगर आपको डाउट होते हैं, दिमाग में कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आप मुझसे जरूर पूछिए। डाउट होना चाहिए, आपका लगे कि हाँ भाई एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, ऐसा ना हो कि बस रैंडमली आपने कुछ भी पूछ डाला, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियरली आप अपना डाउट पूछिए, मैं इंशाल्लाह उसकी कोशिश। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ, जो आज मेरे को आपको समझाना है। वो क्या समझाना है, सबसे पहले तो हम लोग एटम की थोड़ी सी थ्योरी देखेंगे, ब्रीफली थ्योरी देखेंगे, बेसिकली एटम आया कहाँ से, एटम के बारे में सबसे पहले डिस्कस किसने किया। तो हुआ यूं था, मतलब 800 बीसी में, है ना, 800 बीसी में, उसी टाइम एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते आप उनको, एक पर्सन थे जिन्होंने कि ये बात उसी वक्त बोल दी थी 800 बीसी में, कि जो सभी, जो पूरी यूनिवर्स है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, और उनको उन्होंने उस टाइम परमाणु बोल दिया था, एटम बोल दिया था, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बात भाई, अब साइंटिस्ट हैं, अब उन्होंने इस बात को देखा, उन्होंने सुनी ये बात, तो उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाने की कोशिश की, है ना, क्योंकि भाई साइंस में क्या होता है, साइंस में होती है कि अगर हमने कोई बात बोल दी, आपने ही कोई बात बोली, तो आपकी बात उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उस वक्त तक आपकी बातों की वैल्यू नहीं होगी जब तक कि आप उसका प्रूफ नहीं दिखाओ। साइंस का तो सबसे मेन फंडा यही है ना। अब क्या होता है, उनकी उन्होंने बात बोली 800 बीसी में ही, कि जो पूरी यूनिवर्स है ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हुए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने। तो फिर आए एक साइंटिस्ट आए 1808 में, जिनका नाम था डाल्टन। क्या नाम था उनका? डाल्टन। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हाँ मैटर जो है वो तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हमने उन्हें एटम नाम दिया, और वो जो एटम होता है ना, उन्होंने ये बात बोली, वो जो एटम होता है, वो एटम जो होता है वो आपका कैसा होता है, वो एटम होता है आपका अनडिविजिबल। उन्होंने यहीं पे एक गलती कर दी। गलती क्या बोल सकते हैं उनको, उस वक्त तक जितनी उन्होंने डिस्कवर की, जितनी भी बातें उन्होंने, आप तो जानते ही हैं कि हर जमाने के जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने जमाने में
सबसे ज्यादा महान होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पिछले वाले साइंटिस्ट को आप ये कहना शुरू कर दें कि उनके पास इतनी अकल ही नहीं थी, तो पास नहीं, उनके पास जितने इंस्ट्रूमेंट थे, जितनी चीज़ें थी, उसके हिसाब से वो उतने ही महान थे। आज के साइंटिस्ट अपने ज़माने में महान हैं, उसके बाद जो आने वाले साइंटिस्ट होंगे, जो आप होंगे, आप में से कोई भी हो सकता है, ये जो भी साइंटिस्ट होंगे वो अपने ज़माने में महान होंगे। ऐसा नहीं वो पुराने साइंटिस्ट को उल्टा सीधा कहना स्टार्ट कर दें, नहीं। तो डाल्टन साहब ने क्या बात बोली, डाल्टन साहब ने बोली कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, और वो जो एटम होता है वो कैसा होता है, अनडिविजिबल होता है, यानी कि उसको आप तोड़ नहीं सकते, वो बस सबसे छोटा पार्ट होता है। इंडिविजिबल हो गया, ये हम कह सकते हैं वो इंडिविजुअल हो सकता है ना, ये बात बहुत सारी बातें इस बारे में कही जा सकती हैं कि वो इंडिविजुअल होता है। बेसिकली एटम का मतलब ही क्या है, एटम का मतलब है इंडिविजिबल, ठीक है। इंडिविजिबल हो गया, इंडिविजुअल हो गया, या फिर ये है कि वो अनकटेबल होता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, ये बात डाल्टन साहब ने बोल दी। और ये बात चलती रही, कब तक चलती रही, लोग इस पर बिलीव करते रहे कितने साल तक के, 100 सालों तक, कितने 100 सालों तक ये थ्योरी चलती। उसके बाद क्या हुआ, दो साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, जे जे थॉमसन और रदरफोर्ड। क्या नाम था, जे जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड, दो साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने ये बात बोली, नहीं भाई नहीं, एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम को अगर आप तोड़ेंगे तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स निकलेंगे, और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था पिछले वीडियोज में, है ना, वो जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, आपका होता है पहला प्रोटोन, जिसे हम पॉजिटिवली, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव, यू नो, ऐसे लिखा जाता है, प्रोटोन होता है। एक न्यूट्रॉन होता है जो कि न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन, राइट। इतनी बातें क्लियर समझ पा गई आपको, कि उन्होंने जे जे थॉमसन एंड रदरफोर्ड ने ये बात क्लियर की, उन्होंने ये बात बोली, नहीं भाई एटम को भी तोड़ा जा सकता है, एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स आपके क्या कौन कौन से हो गए, प्रोटोन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियरली बात समझ पा गई। अब चलिए, अब क्या हुआ, अब उसके बाद ये उन्होंने ये बात बोल दी, उसके बाद उन्होंने और भी बातें बोली कि भाई इसके अंदर एटम के अंदर, फिर मतलब और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि रदरफोर्ड साहब ने ये बात बोली कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर एटम, उसके इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। फिर उनकी कुछ बातें उनकी गलत साबित हो गई बाद में, जो बात उन्होंने बोली थी। फिर बोर साहब आए, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते रहे, वो इसके बारे में बताते, एटम के बारे में और अंदर जाते। तो जो ये जितनी भी बातें थी, ये आपके जब नए नए साइंटिस्ट आते रहे तो ये बातें क्या होती गई, पीछे चलती गई, इनमें से कुछ गलतियां होती गई, इन गलतियों को आगे आने वाले साइंटिस्ट सुधारते चले गए। अब लास्ट में जो अभी जो एटम की थ्योरी चलती है, एटम के बारे में जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, अभी प्रेजेंट में जिसे हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं, वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसने दी, वो दी आपके एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम था श्रोडिंगर। व्हाट, श्रोडिंगर, क्या नाम था उनका, श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर साहब ने आपका मॉडर्न एटॉमिक मॉडल दिया, है ना, क्या नाम था उनका, श्रोडिंगर, एक मिनट जरा हम उनका नाम भी लिख लेते हैं, है ना, क्या नाम था उनका, श्रोडिंगर साहब। इन्होंने क्या किया, मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बताया, है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी या मॉडर्न एटॉमिक मॉडल बताया, और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में उन्होंने इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव बिहेव किया। क्या मतलब है इलेक्ट्रॉन के वेव बिहेव, क्या मतलब, उन्होंने ये बताया कि भाई जो एटम होता है उस एटम के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है आपका न्यूक्लियस, है ना, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और एटम के बाहर का एक 3D स्पेस होता है, उस 3D स्पेस में एटम के इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो मूव कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, वो एक तो उस 3D स्पेस में तो मूव कर, 3D स पेस का मतलब समझते हैं ना, क्या मतलब कि भाई जैसे आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं, आपके लेफ्ट में भी, राइट में भी, आपके बैक में भी, आपके फ्रंट में, ठीक है, यही हो गया आपका 3D स्पेस, यानी कि पूरे 3D स पेस एटम के जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर का जो 3D स पेस है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन आपका मिल सकता है। अब वो जो 3D स्पेस है, उस 3D स्पेस को क्या कहा जाता है, उस 3D स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, शेल्स, क्या बोलते हैं, शेल्स, जिन्हें हम लोग
ये जो 3D स्पेस होते हैं ना, इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल्स। याद रखिएगा, इनको हम लोग एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। और यही एनर्जी लेवल्स में ही, इन एनर्जी लेवल्स में ही इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। देखिए, बेसिकली जो एटॉमिक मॉडल होता है ना, इस एटॉमिक मॉडल का जो मकसद होता है, जो इसका मेन मकसद जिसे हम बोल सकते हैं, वो मकसद जो होता है ना, वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को पता, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता लगाना, कि इलेक्ट्रॉन, चूंकि भाई इलेक्ट्रॉन वो मूव कर रहा है बराबर से, इलेक्ट्रॉन मतलब मूव कर रहा है, और वो 3D स्पेस में कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो उसकी जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन तो वैसे आज तक कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पाए, लेकिन उसके लोकेशन को जानने के लिए उसके अंदर घुसते चले गए, मतलब एटम के अंदर के जो पूरा पार्टिकल, एटम का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें घुसते चले गए, और उसके बारे में पता लगाते गए कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, कहाँ उसकी एक बिल्कुल मैक्सिमम उसकी प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन वहीं पे मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों के लिए शेल्स आए। शेल वर्ड आपने सुना होगा ना, कि इलेक्ट्रॉन के वो सॉरी एटम की एक शेल होती है, उसके अंदर सब शेल्स होती हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो यही जो शेल्स आती है ना, बेसिकली यही चीज के लिए होती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। एग्जैक्टली समझ में आ गया। देखिए, अब क्या होता है, जो एक मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एक एटम है। एटम के अंदर इन्होंने क्या बोला कि उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर का एक 3D स्पेस होता है। इस 3D स्पेस में ही इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और इस 3D स्पेस को हम लोग, है ना, इसको हम लोग शेल्स बोलते हैं। और ये जो शेल्स होती है ना, शेल्स जो होती है, ये आपकी, इनको कैसे हम लोग सूचित करेंगे, या तो आप इनको कह दीजिए 1, 2, 3, 4, या फिर हम इनको बोल सकते हैं K, L, M, N। ठीक है, जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा। मान लीजिए, जैसे हम लोग कैसे कहेंगे, भाई ये एक एटम है, एटम के अंदर शेल्स हैं, एक पहली शेल हो गई आपकी, ये सॉरी आपकी जरा ये ना थोड़ी अच्छी शेल नहीं हुई, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, भाई ये वाली शेल नहीं, एक एटम, एक न्यूक्लियर, एक एटम है, उसके अंदर की ये हो गई आपकी पहली शेल, ये हो गई आपकी दूसरी शेल, ये हो गई आपकी तीसरी शेल। ओहो, ये यहाँ पे टच नहीं करेगी ना, ये गलत है, ये टच नहीं करेगी, बल्कि ऐसे। अब देखिए, अब हम इसमें फर्स्ट किसको बोलेंगे, आप ये सोचेंगे इसको हमने जो सबसे बाहर वाली, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, इसको हमने सेकेंड बोल दिया, नहीं, जो न्यूक्लियस के पास वाली जो पहली शेल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहली शेल, ये है आपकी दूसरी शेल, यह है आपकी तीसरी शेल। समझ में आ गया। अब देखिए, हमने उनको पहला दूसरा क्यों बोला, है ना, हम इनको, इनको भी तो पहला दूसरा बोल सकते थे, नहीं, हम इनको इस वजह से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, ये बात आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटोन पाया जाता है, प्रोटोन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो आपका कहाँ पे ज्यादा पाया जाएगा, यहाँ ज्यादा पाया जाएगा या यहाँ, इलेक्ट्रॉन के अंदर निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्शन होगी तो अट्रैक्शन क्या, सबसे बाहर वाली जो शेल्स है, शेल्स का मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है, यहाँ भी, ये तो हमने शेल्स बना दी इस वजह से, समझने के लिए अपने, वरना बेसिकली जो एटम होता है इसके अंदर शेल्स थोड़ी ना बनी हुई होती, वो तो हमने अपने समझने के लिए कि भाई हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस शेल में भी पाया जाए, यहाँ भी, कहीं पर भी पाया जा सकता है, और बहुत सारे चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो भाई एक एटम है, किसी भी ऑक्सीजन ही को ले लीजिए, ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8 होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 8 का मतलब क्या है, 8 का एटॉमिक नंबर होते क्या है, बेसिकली किसी भी उसके एटम में, ऑक्सीजन के एटम में जो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, इसी तरीके से प्रोटॉन की संख्या 8 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या ही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो वो 8 के 8 इलेक्ट्रॉन वो कहाँ कहाँ होंगे, वो इन्हीं शेल्स में होंगे, कहीं ना कहीं इन्हीं शेल्स में होंगे, तो इस वजह से हम लोग अपने समझने के लिए इसको शेल्स बोल देते हैं। तो अब बोलिए, अब समझिए कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आपका मैक्सिमम कहाँ पे पाया जाएगा, भाई अट्रैक्ट करेगा ना, तो मैक्सिमम पहली इस वाली शेल में पाया जाएगा ना, पहला जो होगा, तो वो पहला जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे पाए जाएंगे, इसी शेल में पाए जाएंगे, उसके पास वाली शेल में पाए जाएंगे, इस वजह से हम लोग इसको पहला नंबर इसको देते हैं, दूसरा इसको, दूसरा तीसरा इसको। अब मैंने आपको बोल दिया भाई पहला दूसरा इसको बोल दिया, अब उसके बाद हम लोग इसको पहला नंबर भी बोल सकते हैं, या हम इसको K
के भी बोल सकते हैं, ये के भी, इसका नाम के शेल है, इसका नाम एल शेल है, इसका नाम के एल एम एम शेल है, उसके बाद आप चौथी शेल बनाइए, उसका नाम आप उसका नाम चौथा रख दिए, चौथी शेल लिख दिए, या फिर ये किसका नाम एन रख दीजिए के एल एम एन, आगे बढ़ाते जाइए के एल एम एन, जितनी भी शेल बनाएंगे आप उसके आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतनी तो शेल होती नहीं है, बेसिकली 3 4 5 शेल ही बनती, तो के एल एम एन ओ बी तक भी नहीं जाती। तो समझ में आ गया आपको कि भाई इन्होंने श्रोडिंगर साहब ने क्या बात बोली, श्रोडिंगर साहब ने बस इतनी सी बात बोली, बस इतनी सी बात नहीं बोली तो उन्होंने बहुत सारी बातें थी, लेकिन समझने वाली बात आपकी यहाँ पे ये है कि श्रोडिंगर साहब ने ये बात बोली कि एटम के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये बात उन्होंने नहीं बोली थी, ये बात हमें पहले से ही पता थी कि भाई एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर एक 3D स्पेस होता है, उस 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और वो जो 3D स्पेस होते हैं उन 3D स्पेस को हम लोग शेल का नाम देते हैं, और उन शेल को या तो हम लोग अल्फाबेटिकल वर्ड से अल्फाबेट से सूचित कर सकते हैं, के एल एम एन, यानी कि आप ए बी सी डी लगा दीजिएगा, नहीं के एल एम एन इसको बोला ही जाता है, स्टार्ट ही के एल एम एन से होता है, ए बी सी डी मतलब लिख दीजिएगा के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतनी यहाँ तक कि कहीं तक भी शेल हो सकती है, या फिर ये कि हम इसको नंबरिंग के जरिए से पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, समझ में आ गई इतनी बात। अब भाई शेल का तो मामला क्लियर हो गया, अब भाई कई एक बात आती है एक और, व्हाट इज सब शेल्स, अब सब शेल्स क्या होती हैं? देखिए सब शेल के बारे में समझिए कि सब शेल्स जो होती है ना, ये एक मान लीजिए किसी का भी हमने एटम बना लिया है ना, कोई भी एलिमेंट है उसका एक एटम बना लिया, उसके बाहर उसके अंदर क्या होती हैं, शेल्स होती हैं है ना, एक शेल हो गई, दूसरी शेल हो गई, तीसरी शेल हो गई, ठीक है। देखिए ये शेल जो होती है ना आपकी गोली होंगी, मेरी थोड़ी सी शेप गंदी बन रही है तो आप ये मत सोचिएगा, टेढ़ी मेढ़ी शेप होती है, उनको बेसिकली गोली बनाया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D स्पेस में चाहे लेफ्ट और राइट मूव करे, या यू नो क्या कहते हैं बैक एंड फ्रंट मूव करे, 3D स्पेस जो होता है पूरा, तो वो गोली मूव करता है ना, सर्कुलर मोशन मूव। तो ये जो शेल्स होती हैं इन्हें हम लोग के, सॉरी ये वाला के नहीं होगा, ये वाला होगा के, ठीक है, ये हो गया आपकी एल, ये होगी आपकी एम, समझे, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, राइट। अब क्या होता है, अब देखिए, अब आपके पास अगर हाइड्रोजन एटम है, कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1। 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब ये है, देखिए मैंने एटॉमिक नंबर के बारे में आपको बताया भी था कि एटॉमिक नंबर अगर आपको जानना है किसी भी इलेक्ट्रॉन का, सॉरी इलेक्ट्रॉन मुंह में आ जाता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जानना है आपको, तो उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए या फिर प्रोटॉन की संख्या देख लीजिए। इस हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, कितनी है, 1, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। अब ये निगेटिव हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो हमने -1 लिख देते हैं और प्रोटॉन की संख्या +1, ओके। और यही, या तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या देख लीजिए या प्रोटॉन की संख्या देख लीजिए, वही उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर होगा, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, राइट। नाम ही एटॉमिक नंबर है तो क्या मतलब है, एटॉमिक यानी उसके इलेक्ट्रॉन में, उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, यही चीज आपकी क्या कहलाती है, एटॉमिक नंबर। एग्जैक्टली ये समझ में बात आ गई। अब सोचिए, अब देखिए, अब हमने हाइड्रोजन का एटम बनाया, हाइड्रोजन का हमने एक न्यूक्लियस बनाया, एटम होगा तो न्यूक्लियस हो गई, और उसका एक 3D स्पेस बनाया, ठीक है। 3D स्पेस का मतलब हमने एक शेल बनाई और उस शेल में हमने कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन को, हमने भाई ये जो शेल है वो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं यहीं पे इस शेल में, इस एनर्जी लेवल, इसको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, शेल भी कहा जाता है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पाया जाए, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन था अपना, घूम रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, चल रहा है, कोई इसको टेंशन नहीं। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हाइड्रोजन की बात होगी, खत्म बात, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन में आपको रिपल्शन नहीं होगा, कहीं पे अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन आपके पॉजिटिव से उसका प्रोटॉन से होगा, वो अपना इसके बस मतलब अपना घूम रहा है, मोशन कर रहा है, मस्ती कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरा कोई सा एलिमेंट ले लेते हैं, दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम, हीलियम जो होता है, हीलियम जो गैस होती है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। 2 का मतलब क्या है, इसके दो का मतलब ये है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, -2, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, +2, समझ में आ गया। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें पाए जा रहे हैं, 2,
देखिए आपको बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, पहली बार बाद में समझ में नहीं आती ना, तो दोबारा वीडियो को पीछे से रिपीट करके देखिए, क्लियर नहीं बात समझ में आ जाएगी। मैं आपको पूरा रिलेट करके एक अच्छे से कहानी की तरह समझा रही हूँ ताकि आपके दिमाग से कभी ये बात ना निकले। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैम ये SPDF क्या है, मैम ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मैम ये कैशियल एलशियल क्या है, इस वजह से मैं आपको बात समझा रही हूँ। ठीक है चलिए, तो हीलियम जो होता है, हीलियम के अंदर आपका हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। 2 का मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, -2, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, +2, यही इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब देखिए, अब हमने एटम की एक एटम बनाया, हीलियम का एटम बनाया भाई, ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के बाहर हमने एक शेल बनाई, इस शेल के अंदर क्या होगा, इस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे। भाई शेल का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस कैसे हैं, सेम चार्ज है, सेम चार्ज है कि नहीं, दोनों में क्या होगा, एक में ऐसा तो नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक में पॉजिटिव हो गया एक में निगेटिव हो गया, वरना तो दोनों जाकर एक दूसरे से चिपक ही जाएंगे और चिपक चिपक के एक साथ चलेंगे, ऐसा नहीं होता है, चिपक के नहीं चलते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने अपनी मौज मस्ती में चलते हैं, अलग अलग चलते हैं। क्यों चलते हैं, क्योंकि सब पे सेम चार्जेस होते हैं। सेम चार्जेस का मतलब क्या है, दोनों में माइनस माइनस है, माइनस माइनस का मतलब सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, तो लाइक चार्जेस क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और यही दूर भगाने की वजह से, यही एक दूसरे को इधर से उधर फेंकने की वजह से, दूसरे इधर उधर जाने की वजह से क्या होता है, वही सब एनर्जी लेवल्स को यानी सब शेल्स का निर्माण करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच मैक्सिमम रिपल्शन जो है वो किसको प्रोड्यूस करता है, वो सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स को प्रोड्यूस करता है, और उन सब शेल्स को हम लोग किसके द्वारा से सूचित करते हैं, SPDF, स्मॉल लेटर हमेशा याद रखिएगा, स्मॉल लेटर। SPDF जो होते हैं ना, ये स्मॉल लेटर होते हैं, और जो K11 होते हैं, इन्हें आप स्मॉल लेटर से नहीं बल्कि कैपिटल लेटर्स के जरिए से सूचित करते हैं। समझ में आ गया, क्या बात बोली मैंने, एक बार और समझ लेते हैं भाई, ये वाली बात जो है थोड़ी सी नई हो गई ना, तो नई बात को समझना चाहिए। क्या बात बोली मैंने कि भाई एक एटम होता है ना, एक एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, शेल्स होती है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के बाहर जो होती हैं वो शेल्स होती हैं। उन शेल्स के अंदर अगर एक ही एलिमेंट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अपना मस्ती से चलता रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, मान लीजिए ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 है, 8 का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, -8, यानी माइनस 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 वगैरह को छोड़िए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 8 है ना। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 8 है। भाई देखिए, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना 8 होती है, 8 का मतलब ये है कि ये मतलब बराबर ही है, तो प्रोटॉन तो अंदर है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बात नहीं छोड़िए, इलेक्ट्रॉन की देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं, कहीं कोई एक यहाँ मूव कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई यहाँ कर रहा है ना, तो इधर उधर मूव करते रहते हैं। तो ये जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, तो क्यों मूव कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके अंदर सेम चार्जेस हैं, इनमें लाइक चार्जेस हैं, सब में लाइक चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये रिपल्शन होता है इनमें, ये रिपल्शन जो है वो इन शेल्स के अंदर ही, इन एनर्जी लेवल्स, इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स भी कहा जाता है, इन एनर्जी लेवल्स के अंदर ही सब एनर्जी लेवल्स का निर्माण कर देते हैं। यही शेल्स जो है टूट करके, टूटती नहीं है, मतलब इन शेल्स के अंदर भी आपको सब शेल्स मिलते हैं, और उन सब शेल्स को हम लोग किन के द्वारा से सूचित करते हैं, एस, छोटा वाला एस, स्मॉल लेटर वाला एस, SPDF, यानी पहली जो शेल होगी उसको हम लोग एस लिखेंगे। भाई अगर मान लीजिए इस पहली शेल के अंदर, के शेल के अंदर एक ही एक सब एनर्जी लेवल या सब शेल पाई जा रही है, तो हम लोग पहली जो शेल होगी, पहला जो सब एनर्जी लेवल होगी या पहली सब शेल होगी, उसको हम लोग एस के द्वारा सूचित करेंगे, दूसरी को पी के द्वारा, तीसरी को डी के द्वारा, और चौथी को एफ। ऐसा नहीं है कि अगर 2 सब शेल्स पाई जा रही हैं तो हमने 2 एस लिख दिया, नहीं, 2-2 एस नहीं होगा, पहले का नाम एस होगा, दूसरे का नाम पी होगा, इसी तरह तीसरे का नाम डी होगा, चौथे का नाम एफ होगा। क्लियर बात समझ में आ गई आपको, चलिए आई होप सो क्लियर बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो SPDF, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा होगा ना, नहीं समझा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, जो कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल पर
बेस्ड है ऑफ बाओ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, है ना, मतलब ऑफ बाओ एक ग्रीक वर्ड है और यू नो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये मत सोचेगा कि किसी साइंटिस्ट का नाम है। तो जो उसमें ऑफ बाओ प्रिंसिपल के जरिए से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझा था, ठीक है, तो आप उसको समझ लीजिएगा वहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बोल रही थी कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन ही का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाए तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 जो होता है ना हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे 1s2 2s2 2p4। अब इसके अंदर ये जो 1 है ये क्या है, एस किस चीज को दर्शा रहा है, 2 किस चीज को दर्शा रहा है, ये भी बात समझनी होगी। तो देखिए इसके अंदर जो S होता है ना, हम यहाँ पे दूसरा कलर ले लेते हैं, एक कलर आपका ये वाला ग्रीन कलर ले लेते, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का हमने एटॉमिक नंबर निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला 1s2 2s2 2p6 2p6 नहीं 2p4। जो 1 होता है ना किसी भी चीज में, जो 1 है ये क्या दर्शा रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये एक एटम, इस एटम में जो पहली शेल है, 1 का मतलब फर्स्ट शेल, समझे आप, यानी के शेल, ये हो गई आपकी पहली शेल। एस का मतलब इस शेल के अंदर एक सब शेल है, ठीक है, उस सब शेल को हम लोग कैसे दर्शा रहे हैं, एस के द्वारा। 2 का मतलब उसके अंदर उस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल पाया जाता है, उस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 का मतलब क्या है, दूसरी शेल, समझे, दूसरी शेल के अंदर। एस का मतलब क्या है, एक इसके अंदर एक और एनर्जी लेवल है, ठीक है, इसके अंदर एक और एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल को हमने एस के द्वारा, उस एनर्जी लेवल में एक ऑर्बिटल है और उस ऑर्बिटल को हम लोग एक उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। दूसरी शब्द ये क्या है, यू नो 2 है मतलब तीसरा जो है इसके अंदर, 2 जो है, 2 का मतलब क्या है, यानी दूसरी ही शेल, दूसरी शेल के अंदर, ये दूसरी शेल है उसके अंदर एक तो 2, देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब क्या है कि जो दूसरी शेल है उसके अंदर 2 सब शेल्स है। पहली सब शेल का कौन सी है, एस, और दूसरी सब शेल जो है वो आपकी क्या है, पी, समझे आप। देखिए यही बात मैंने आपको बताई थी ना कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक एटम है, उस एटम के अंदर एक पहली शेल पाई जाएगी तो उसको हम लोग के द्वारा सूचित कर लिया हमने, है ना, और उसके अंदर सब शेल होगी तो हम लोगों ने उसको क्या बताया था, वही उसको हमने एस के द्वारा सूचित कर लिया, है ना, कि भाई पहली शेल है तो एस के द्वारा। जो सेकंड शेल के अंदर आपको यहाँ पे ये जो 2 दिख रही है ना, 2 ये 2 जो नंबर है ये क्या दर्शा रहे हैं, शेल को दर्शा रहे हैं कि एक ही शेल में 2 सब शेल्स पाई जा रही है। पहली सब शेल को हमने लिखा एस और दूसरी सब शेल को लिखा हमने पी। बात समझ में आ रही है आपको, एक बार और समझ, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, देखिए मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। देखिए ऑक्सीजन ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, चलिए ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोग, दूसरा नंबर ले लेते हैं ना हम लोग, दूसरा भाई ये नहीं लेते ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लिए, हम लोग ले लेते हैं कार्बन, ठीक है कार्बन ले लें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। 6 का मतलब क्या है भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 6 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसमें, 6 है, और प्रोटॉन की बात छोड़िए, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है इसमें। इलेक्ट्रॉन किसकी नहीं है कि इसका मतलब, 6 का मतलब क्या है भाई, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, तो इसके हम लोग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p2। देखिए जो ऊपर के जो नंबर लिखे हुए ना सुपर स्क्रिप्ट में, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाते हैं 2+2+2, यानी कि ये किसको इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं कि 2+2+2 6 हो गए। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि इसके अंदर, इस कार्बन के अंदर ये जो पहला नंबर है 1, वो 1 को क्या दर्शा रहा है, ये हमने इसका एक एटम बना लिया, 1 का मतलब क्या है, पहली शेल। इस पहली शेल पे, ऐसे मैंने अभी बताया ना सब शेल को दर्शाता है,
इस पहली शेल में एक सबशेल है, छोटी सी सबशेल यहाँ पे बना लीजिए, इसके अंदर सबशेल है, उसे हमने किसके द्वारा से सूचित किया, एस के द्वारा से। अब यहाँ पे आ गया आपका दूसरी शेल, ये देख रहे हैं आप, टू किसको दर्शा रहे हैं, टू शेल को दर्शा रहे हैं, है ना, ये बेसिकली शेल ही को दर्शाते हैं, दूसरी शेल बताई हमने। उस दूसरी शेल में आपको दो सब शेल्स मिलेंगे, टू टू का मतलब एक ही शेल है ना, और उसके अंदर आपको दो सब शेल्स मिलेंगी। पहली सब शेल होगी आपकी एस, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर दो सब शेल हैं तो ऐसा मत लीजिएगा कि दो एस है, है ना, कि पहले को भी आपने लिख दिया एस, दूसरे का नाम भी नहीं, नहीं, पहले का नाम एस, उसका नाम बी, है ना, दूसरे का नाम पी, तीसरे का नाम डी, चौथे का नाम एफ। तो उसके अंदर उस पी सब शेल में दो सब पी शेल में, सॉरी पी शेल में नहीं, सेकंड शेल में दो सब शेल पाई जा रही हैं, वो है आपकी एस और पी। और उस सब शेल में ये जो नंबर्स होते हैं ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपको, मैं आपको भी समझाऊंगी, इतनी बात आपको क्लियर हो गई ना कि एक एटम होता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर की जो शेल होती है पहली वाली शेल, उसको के एलिमेंट द्वारा सूचित किया जाता है, उसके अंदर सबशेल्स होती हैं, उन सबशेल को एसपीडीएफ के द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे, अब हमें ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा ना कि हम ये कैसे जानेंगे कि एक एटम के अंदर कितनी शेल होती है, एक एटम के अंदर जो शेल होती है, मान लिया एक एटम के अंदर, ये तो हमें पता चल गया भाई शेल जो होती है वो हम एटॉमिक नंबर के जरिए से हम लोग समझ लेते हैं, मतलब जो शेल्स बनती हैं वो बेसिकली कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए ये एक एटम है तो इसकी जो पहली शेल होगी इसके अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है, जो सेकेंड शेल होती है इसके अंदर आठ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये तो हमें मतलब बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब इन शेल के अंदर कितनी सब शेल है ये भी तो जानना जरूरी है ना, इस शेल के अंदर कितनी सब शेल है, इसको जानने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी शेल है, जो शेल का नंबर है उतनी ही उसके अंदर सब शेल होंगी। क्या बात बोली मैंने, जो शेल का नंबर है उतनी ही उसके अंदर सब शेल होंगी। मान लीजिए ये एक एटम है ना, एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पहली शेल है, पहली शेल का मतलब क्या है, एक एक शेल है, पहला नंबर है इस शेल का, तो इसके अंदर एक ही सब शेल होगी, एक ही सब शेल होगी इसके अंदर, और वो जो पहली सब शेल होगी इसको हम लोग एस के द्वारा सूचित करते हैं। दूसरी अगर हमने शेल ली उसके अंदर दूसरा नंबर है ना, दूसरी शेल है, इसका मतलब इसके अंदर दो सब शेल होंगी, और दो सब शेल को हम लोग पहली शेल को एस, दूसरी को हम लोग पी के द्वारा सूचित करेंगे। तीसरी अगर हम लोग शेल बनाते हैं, तीसरी शेल का जो नंबर है वो क्या है, थर्ड तीन है, तो इसका मतलब थ्री सब शेल होंगे, पहले को हम लोग एस, दूसरे को हम लोग पी, तीसरे को हम लोग डी के द्वारा सूचित करेंगे, चौथी हमने मना ली, एक मिनट जरा कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया ये, है ना, दूसरी को हमने बना ली, ये वाला था ना, हाँ या दूसरी को हमने चौथी बनाई हमने, है ना, चौथी शेल बनाई हमने। चौथी शेल का मतलब इसका नंबर क्या है, चार नंबर है, तो इसका मतलब इसके अंदर चार सब शेल होंगी। चार का मतलब पहली का नाम एस होगा, दूसरा का नाम पी होगा, तीसरे का नाम डी होगा, और जो चौथी होगी उसका नाम एफ होगा। समझ में आ गया आपको, किसी शेल में सब शेल निकालनी हो तो उसकी नंबर देख लीजिए, उस शेल का नंबर क्या है, उस शेल का नंबर दूसरा है तो उसका मतलब दो सब शेल का मतलब पहले का नाम एस होगा, दूसरे का नाम पी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एसपीडीएफ बच्चों को यहीं पे बात क्लियर ही समझ में नहीं आती कि एसपीडीएफ है क्या। एसपीडीएफ उस शेल के अंदर सब शेल होती है। अच्छा, हम लोग ये शेल सब शेल क्यों कर रहे हैं भाई, ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन देखना है। अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको, ये तो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं, ये तो हम लोग शेल बनाई हमने, यूं बनाई शेल कि भाई हमें इलेक्ट्रॉन शेल में मिल जाएगा, वहां भी नहीं मिला, इलेक्ट्रॉन इतने सारे थे, रिपल्शन करने लगे, रिपल्शन करके उन्होंने सब शेल बना दी, सब शेल के अंदर हमने देखा वहां भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। अब उस सब शेल के अंदर भी आपको और अंदर घुसिए, उसके अंदर आपको मिलेगा ऑर्बिटल, उस सब शेल के अंदर होगी आपकी ऑर्बिटल, और वो जो ऑर्बिटल होगी ना वो आपको थोड़ी याद रखनी होगी। क्या, देखिए आगे चले, वो जो ऑर्बिटल्स होती है ना, ऑर्बिटल्स कैसे दिखाएंगे, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो एस होती है, एस सब शेल होती है उसके अंदर ऑर्बिटल होती है आपकी एक, ठीक है, पी जो सब शेल होती है इसके अंदर ऑर्बिटल होती है आपकी तीन, ठीक, डी होती है इसके अंदर ऑर्बिटल होती है आपकी पांच,
एफ होती है इसके अंदर ऑर्बिटल होती है आपकी 7। कितनी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिए ये ऑर्बिटल्स आपको याद रखनी होगी। एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, पी में 3 होती है, डी में 5 होती है, एफ में 7 होती है। इस ऑर्बिटल के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट पोजीशन में मिल जाएगा आपको। एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज। ये बात याद रही, बात बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे। मैंने क्या बात बोली, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, इस सब शेल के अंदर है ना, ये एक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बाहर शेल हो गई, शेल के अंदर आपको सब शेल हो गई, उस सब शेल में एस पी डी एफ में आपको जो ऑर्बिटल्स होगी वो आपको एस में एक ही ऑर्बिटल होती है, सॉरी ऑर्बिटल को हम लोग एस है, पी में आपकी 3 होती है, डी में आपकी 5 होती है, और एफ में आपकी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 होती, सॉरी 7 होती, याद हो गई। अब इस ऑर्बिटल के अंदर आपको कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो आई होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हम लोग अब ऑर्बिटल के अंदर, इस पे थोड़ा सा और बहुत लंबी वीडियो हो गई, फिर बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई आपको मैंने क्या क्या बातें बताई आपको, थोड़ा सा इसको लोग समझ लेते हैं, एक मिनट यहीं पे समझ लेते हैं, ओके। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ना सारांश पढ़ लेते हैं। सारांश क्या था आपका, समरी जिसे बोल सकते हैं। भाई हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई एक जो कोई भी अगर आप एटम ले लें है ना, उस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर आपको शेल्स दिखाई देती है। शेल्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाने की संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं शेल्स में पाए जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस में 3D मूव करता रहता है, 3D स्पेस में मूव करता रहता है। तो शेल्स होती है, इन हम लोग के है ना, पहली शेल हो गई के, दूसरी शेल हो गई तो हम लोग इसको एल के द्वारा सूचित करेंगे, तीसरी शेल हो गई तो हम लोग इसको जो है एम के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। और शेल बनाए तो आप यू नो क्या कहते हैं, आगे शेल्स बनाएंगे तो वो एल के एल एम एन आगे आगे आप चलते रहेंगे, ठीक है। एक मिनट जरा, ये जो चौथी वाली हो गई ना, थोड़ी गंदी हो गई वाली, तीसरी वाली, तो इसको हम लोग एम के द्वारा यानी के एल एम आगे चलते रहे आप, इतनी इनको हम यू नो इसको द्वारा सूचित करते हैं। या फिर यह है कि के को हम लोग पहली शेल कहा जाता है, एल को दूसरी शेल, और एम को तीसरी शेल, एम के बाद एन लगाएंगे तो उसकी चौथी शेल होगी। इतनी समझ में बात आ गई। अब क्या होता है, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर बहुत सारे मैक्सिमम अमाउंट में पाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन ही को ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, फ्लोरीन, नियोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कितने भी, कैल्शियम 20 हो गया तो मान लीजिए उसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको सब शेल्स भी, शेल भी इतनी सारी बनानी पड़ेंगी। शेल बनाएंगे आप तो शेल के अंदर आपको सब शेल होती है। क्यों सब शेल बनती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को, रिपेल करने की वजह से इनमें ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ये मैक्सिमम रिपल्शन के वजह से जो है ये इलेक्ट्रॉन सब एनर्जी लेवल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सब एनर्जी लेवल्स का मतलब सब शेल्स होती हैं। इन सब शेल आपकी एस पी डी एफ द्वारा सूचित की जाती है, रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। और एस जो होता है, इसका मतलब क्या है कि पहली सब शेल है ना, पहली सब शेल, यानी अगर पहली सब शेल होगी तो हम लोग एस के द्वारा सूचित करेंगे, दूसरी सब शेल होगी। बस कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी शेल के अंदर सब शेल पाए जा रही, यानी कि एक सब शेल पाए जा रही है तो उसका नाम हम लोग एस रखेंगे। दो सब शेल पाए जा रही है तो पहले का नाम एस होगा और दूसरी का नाम पी होगा। तीसरी, अगर तीन सब शेल पाए जा रही है तो पहली का नाम एस है ना, दूसरे का नाम पी, तीसरी का नाम डी, और अगर चार होंगे तो पहली का नाम एस, दूसरी का नाम पी, तीसरे का नाम डी, चौथे का नाम एफ, समझे। अब ये मत सोचिएगा कि दो सब शेल है तो पहले का नाम ने जो है पहले का नाम एस रख दिया, दूसरे का नाम भी एस रख दिया, और तीसरे का नाम तीन है तो पहले का नाम एस, दूसरे का नाम पी, और तीसरे का नाम ने एफ रख दिया। नहीं, ये एक सीक्वेंस में चलता है कि पहले अगर तीन सब शेल पाई जा रही है तो पहले का नाम एस, दूसरे का नाम पी, तीसरे का नाम डी और चौथे का नाम एफ, अगर चार है तो एस पी डी एफ है ना, इस तरीके से हम लोग करें। ये जो सबशेल्स होती हैं, ये बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो एस सबशेल होती है इसके अंदर एक ऑर्बिटल पाया जाता है, पी के अंदर तीन ऑर्बिटल पाए जाते हैं, ठीक है, डी के अंदर चार पांच ऑर्बिटल पाए जाते हैं, एफ के अंदर सात ऑर्बिटल पाए जाते हैं।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, आई होप सो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कहीं भी आपको फिर भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। और आगे अगर आपको और समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको बात समझ में आ गई हो तो मुझे जरूर बताइए, ठीक है। बाय बाय, तब तक मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के